हेलो गाइस, मैं हूं कैफ फ्रॉम नॉइज़ टेक और ये है गूगल पिक्सल 6a। इस फोन को हमारा एक टीम मेंबर 6 से 7 महीनों से यूज कर रहा है। आप हमारे चैनल पे देखोगे सितंबर अक्टूबर में हमने इसका 1 मंथ लेटर वाला रिव्यू किया था। एंड अब तो ये वीडियो बनाते मुझे पता चला कि पिक्सल 7a आ रहा है 11 मई को और आज 3 मई ऑलरेडी हो चुकी है। तो भाई मेरे ये 6-7 महीने के यूज के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि पिक्सल 6a क्या अब आपको लेना चाहिए या पिक्सल 7a के लिए वेट करना चाहिए। जब ये फोन आया था बहुत से यूट्यूबर्स ने कंप्लेन किया, हमने भी कंप्लेन किया था कि भाई इसमें ग्लास नहीं दिया। ऑफ कोर्स प्राइस कम करने के चक्कर में थोड़ा सा मटेरियल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया, पीछे आपको प्लास्टिक दिया गया। बट अब मुझे ऐसा लगता है अच्छा हुआ ये प्लास्टिक है भाई। ये फोन एक बार काफी जोर से गिरा था, नीचे आप देखोगे मेरे प्लास्टिक में माइनर से स्क्रैचेस दिखेंगे आपको एंड थोड़े से डेंट टाइप स्क्रैच है, मतलब हल्का सा डीप है वो। एंड अगर ग्लास होता था भाई ये पक्का फूट जाता था, काफी ज्यादा जोर से गिरा था ये फोन। बाकी मेरा फोन एकदम परफेक्ट कंडीशन में, डिस्प्ले के ऊपर भी हल्के फुल्के स्क्रैच आए क्योंकि भैया हम हैं शक्तिमान, हमको गार्ड लगाना पसंद नहीं है। फोन की स्क्रीन के ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए, बहुत ज्यादा कोई ऐसे नोटिसेबल नहीं है, पर एकदम स्क्रीन साफ करने के बाद देखोगे तो डेफिनेटली दिक्कत आते हैं। इसके डिजाइन की बात करूं तो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एकदम कॉम्पैक्ट फोन है। अभी हमें वन हैंड फोन देखने नहीं मिलते हैं, बट ये एक प्रॉपर वन हैंड फोन है। इसको मैं यूज कर पा रहा था एक हाथों से और काफी अच्छा लगता है इन हैंड फील की अगर मैं बात करूं तो। सिर्फ मुझे नहीं, आजकल बहुत से लोगों को पता है, अभी भी पता नहीं कि गूगल का पिक्सल एक फोन भी है। एंड जब वो लोग देखते ना ये फोन, पूछते भाई कौन सा फोन है, इतना मस्त अलग दिख कर आ रहा है। स्पेशली ये जो व्हाइट वाला कलर है ये थोड़ा सा और अलग दिख के आता है कम्पेयर टू वो ब्लैक। बहुत से लोग अभी भी डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में। डेफिनेटली अंडर 30,000 गूगल ने एक यूनिक दिखने वाला फोन बनाया है, तो सही में अच्छा लगता है। एक और ड्रॉप टेस्ट अभी हो गया रहता था। लॉक बटन को वॉल्यूम बटन के ऊपर रखा गया जो काफी अच्छी बात है, बट वॉल्यूम बटन्स पे मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। वॉल्यूम अप की जगह मैं कई बार लॉक का बटन दबा देता हूँ, ये मुझे आदत नहीं है, बट भाई मेरे टीममेट को हो गई क्योंकि उसको थोड़े से छोटे फोन यूज करना ज्यादा पसंद है। बाकी डेफिनेटली ये फोन एक अच्छा फील देता है। नीचे टाइप सी का पोर्ट है, प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स है जो डिसेंट क्वालिटी के हैं एंड लुक वाइज डिजाइन वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली ये फोन अच्छा लगता है। इसके डिस्प्ले से पहले जो कंप्लेन थी आज भी वही एक कंप्लेन है कि 120 हर्ट्ज नहीं है। एंड अगर मैं मेरे टीममेट की बात करूं तो वो बंदा शुरुआत में आईफोन 11 यूज करता था, उसने वहां से ये पिक्सल 6a पे स्विच किया एंड उसको इतना फर्क नहीं लगा। अगर आप 60 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज देख रहे हो आपको इतना फर्क नहीं लगेगा। ये फोन की विजिबिलिटी आउटडोर में एकदम अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी खासी हार्श सनलाइट भी है तब भी ये डिस्प्ले एकदम क्लियर विजिबल रहेगा। ये एक सुपर्ब क्वालिटी ओलेड डिस्प्ले जो सही में बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। अभी के डेट में अगर आप देखोगे हर 20,000-22,000 वाला फोन भी आपको AMOLED 120 हर्ट्ज साथ ही साथ दे दे रहा है, पर यहाँ पे वो चीज मिसिंग है। एंड वो एक चीज भाई बिल्कुल खटकती है, मुझे ऐसे लगता है इसको एटलीस्ट 90 हर्ट्ज देना चाहिए था। हालांकि अब सुनने में आ रहा है पिक्सल 7a में आपको 90 हर्ट्ज मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ये फोन भी 90 हर्ट्ज एटलीस्ट डिजर्व करता था। ये वन ऑफ द बेस्ट 60 हर्ट्ज पैनल है नो डाउट, पर मेरे हिसाब से हायर रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। पिक्सल 6 सीरीज जो थी वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंप्लेन था, वो था उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा नहीं था। बोलिए किसी और की उंगलियों से खुल जा रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, कभी नहीं चल रहा है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है, पर अपडेट्स के बाद अब एकदम फास्ट काम करता है, फट से एक टैप पे खुल जाता है, कोई ज्यादा डिले नहीं देखने मिलता है। मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस की कि भाई ये 30,000 रुपए के हिसाब से अच्छे वाइब्रेशन देता है, जेब में फोन रहता है, कुछ बचता है, फील होता है आपको भाई मुझे कॉल आ रहा है। अगर आप कुछ टाइप करो टक 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 मस्त वाले वाइब्रेशन देता है। बजट फोन की बात करूं या 3,000 वाले मिड रेंज फोन की बात करूं, यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर्स अच्छी नहीं मिलती आपको, पर डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाती है। गूगल ने एक छोटे फोन में भी आपको अच्छे स्पीकर्स दिए जो काफी लाउड है। अगर आपको ईयरफोन नहीं यूज करते हो, स्पीकर यूज करते हो, फिर भी आपको मजा आएगा कंटेंट एंजॉय करने में। उसी के साथ इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही कम ब्रांड ऐसे जो आपको एक आईपी रेटिंग देते हैं, ये ब्रांड आपको IP67 की रेटिंग दे रहा है। चार्जिंग स्पीड्स भाई बहुत स्लो है, 18 वाट की चार्जिंग स्पीड्स मिलती है एंड आराम से 1.5 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे इस फोन को चार्ज करने में। बैटरी लाइफ डिसेंट चल जाती है, एकदम ही अच्छी नहीं बोल सकता मैं। अगर मैं मेरे फ्रेंड के यूज की बात करूं जहां मीडियम यूजेज है, वहां ये फोन 18 से 19 घंटे उसको आराम से चल जा रहा था, कभी कभी 24 घंटे भी चल जाता था। मेरे यूजेज की बात करूं, मैंने मॉर्निंग में अगर इस फोन को 9 बजे फुल चार्ज किया है तो शाम में या रात में 9 बजे तक इस फोन में 10-12% चार्जिंग बचती है, जहां पे मुझे 4.5-5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। मे बी आपको ज्यादा मिल रहा होगा, मेरे पर्सनल यूजेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो थोड़ा सा एक हैवी यूजेज है वहां पे मुझे इसकी बैटरी थोड़ी सी कम लगी। अगर आपका एकदम हैवी यूजेज नहीं है देन आप 5.5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एंड अप टू 24 आवर्स तक की बैटरी चल जाए ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अगर आपको 30,000 के अंदर एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए देन भाई गूगल ही आपको ये देता है, मोटो भी देता है, पर
यहाँ पे गूगल एकदम वनिला स्टॉक एंड्रॉइड। 5 अप्रैल के सिक्योरिटी पैच में मतलब एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, प्रॉपर अपडेट सारे इस फोन को, साथ ही साथ आपके गूगल के जो फ्लैगशिप फीचर्स है वो इस फोन में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंसर चिप दिया गया। जो मैजिक इरेजर चाहिए वो मिल जाता है आपको, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टेक्स्ट, ये सारी चीजें मिलती है। कॉल स्क्रीनिंग एक फीचर है जो मुझे इंडिया में चाहिए, बट इंडिया में वो फीचर आया नहीं है। बाकी सारे ही फीचर जो गूगल पिक्सल 6, 7, 7 प्रो ये सारी चीजें मिलते हैं, ऑलमोस्ट सबके सब यहाँ मिल जाते हैं। एंड एक थोड़ी सी फनी चीज मुझे बतानी है, मैंने एंड्रॉइड 14 का डेवलपर प्रीव्यू डाला था इसमें बीटा वाला, जो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, बट भाई बहुत बगी था वो अपडेट। एंड मुझे पता है वो बगी होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बीटा है। मैंने एक दो दिन के लिए टेस्टिंग के लिए डाला था, बाद में परेशान होकर वापस एंड्रॉइड 13 पे आया, एकदम स्टेबल है अब एंड्रॉइड 13, आराम से काम कर रहा है। जब 14 आएगा तब 14 देखेंगे। बाकी मुझे अभी फिलहाल इस फोन में सॉफ्टवेयर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा बग है, चार्जिंग चालू होने के बाद जैसे हमारी स्क्रीन लाइट अप होती है, उसके बाद इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली लाइट डाउन नहीं होती है, मतलब लॉक नहीं होती है वापस, ये लॉक स्टेट में ही रहता है, बस स्क्रीन चालू रहती है, वो चीज बंद नहीं होती है। बाकी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नाउ प्लेइंग वाला फीचर भी मस्त काम कर लेता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अच्छा काम कर लेता है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड बाकी इश्यूज नहीं दिखे हैं। यहाँ पे गूगल ने दिया 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। ये जो कैमरा है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास जो आप इस प्राइस ब्रैकेट में ले सकते हो। बस जेब से निकालो, कैमरा खोलो एंड टैप करके फोटो ले लो, इतना ज्यादा इजी है इस कैमरा से फोटो लेना, एकदम अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। हाँ ये 12 मेगापिक्सल है तो जूम करने पर हल्का फुल्का फटती है, बट क्वालिटी आपको फोटोज की अच्छी मिलेगी, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे। एंड मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये हर फोन से बेटर है इस प्राइस ब्रैकेट में, मुझे नहीं दिख रहा कोई फोन इससे बेटर फोटो ले सकता है। मैं ऑफ कोर्स इस वीडियो में ज्यादा कैमरा की बात नहीं करने वाला, वो सब रिव्यूज आपने ऑलरेडी देख लिए, मैं यहाँ पे मेन मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। कैमरा परफॉर्मेंस हल्का फुल्का सुधरा है आज 6 महीने में थोड़ा अपडेट्स के बाद, कैमरा की हल्की फुल्की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, इतना कोई मेजर नहीं है, पहले से ही काफी अच्छी क्वालिटी थी, अल्ट्रा वाइड फोटोज भी काफी डिसेंट ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेल्फी कैमरा की फोटोज अच्छी है, स्क्रीन टोन अच्छी है, HDR अच्छा मैनेज कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, साथ ही साथ 4K 60fps वीडियो शूट करने का तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी फोन आपको 4K 60fps नहीं देता है। टेंसर चिप, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, मेरे हिसाब से रैम 8GB होना था, कभी कभी मुझे रैम मैनेजमेंट में इश्यूज दिखते हैं। इसमें रैम एक्सपेंशन जैसा भी कोई फीचर नहीं है जैसे हमें बाकी एंड्रॉइड फोन्स में मिलता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ी सी रैम की कमी पड़ती है, एंड इस प्राइस ब्रैकेट में 8GB रैम हो सकता था मेरे हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट चिप है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो या एकदम मिड हैवी यूजर हो, एकदम हैवी यूजर हो, हाँ पे ये चिप की गर्मी आपको महसूस होगी जो शायद आपका एक्सपीरियंस खराब करेगी। टेंसर ऑफकोर्स सैमसंग ने बनाया एक एक्सिनोस आर्किटेक्चर पे, एक्सिनोस खुद तो गर्म होते हैं तो ये गर्म नहीं होगा, ऑफकोर्स गर्म होगा, गूगल ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, बट हैवी यूजेज में या आप एक साथ आधा घंटा एक घंटा किसी पे कॉल पे बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से गुलू गुलू कर रहे हो, वहाँ पे ये फोन भाई गर्म होने वाला है, आपको गर्मी कानों पे महसूस होगी, फटेगा जलेगा कुछ भी नहीं, बट वो गर्मी दिखेगी। भाई 5G आ गया, इसको अपडेट भी मिल गया, 5G प्रॉपर काम कर रहा है एकदम। एयरटेल यूज करो, जियो यूज करो, कोई भी नेटवर्क आपके पास है, प्रॉपर 5G स्पीड्स आपको ये फोन में मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि भाई एक फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज किया है, अच्छे मॉडेम्स यूज किए गए जिनके कारण आपको स्पीड्स भी अच्छी मिल जाती है। तो भाई क्या अभी भी अंडर 30,000 आपको ये पिक्सल 6 से लेना चाहिए? 26-27 हजार रुपए, 28 हजार रुपए ऑफर्स में अभी ये मिल जा रहा है, और इसका मेन रीजन है क्योंकि 7A लॉन्च हो रहा है। अब तो 7A की डेट भी आ गई कि 11 मई को यस वो फोन लॉन्च हो जाएगा। मेरे हिसाब से फिलहाल वेट करो एंड उस फोन का प्राइस देखो, मुझे ऐसा लगता है गूगल उस फोन को 40-42 के आसपास लॉन्च करेगा। पिक्सल 7 जो है वो डिस्काउंट्स के बाद आजकल आपको 48-50 में मिल जा रहा है, ऑफलाइन शॉप्स में जाओगे तो वो तो अंडर 45 भी मिलने को तैयार है आपको, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है ये अगर आपको 26,000-27,000 में मिले आज भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अमेजिंग कैमराज मिल जाते हैं, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ अच्छा डिजाइन मिल जाता है, एक कॉम्पैक्ट फोन है। कुछ फ्लैगशिप फीचर्स ये डेफिनेटली मिस कर जाता है जैसे 120Hz वायरलेस चार्जिंग, ये सब नहीं है, बट फिर भी अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस गूगल का चाहिए, डेफिनेटली आज भी आप एक पिक्सल 6A कंसिडर कर सकते हो, एंड इसको बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।